और वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में पूनम। क्या आप जानते हैं राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? क्योंकि राजस्थान में बाढ़ के कारण कई जिले तबाह हो गए हैं। वसुंधरा सरकार में मंत्री राजकुमार रिणवा ने ऐसा राजकुमार वाला अजीबोगरीब बयान दिया है जिससे हर किसी को हैरानी होगी। राजकुमार रिणवा का ये बयान महंगाई के बोझ तले आम लोगों के जख्मों को और हरा करने वाला है। रिणवा की माने तो राजस्थान में बाढ़ ही सबसे बड़ा कारण है पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने का। मंत्री जी के इस बयान के बाद हर कोई हैरत में पड़ गया, हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया। आखिर मजबूर होए भी तो क्यों ना होए, क्योंकि उनका बयान ही हैरत में डाल देने वाला है। राजकुमार यहाँ भी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने ऐसे ही बेहुदा अंदाज में कहा कि आप सभी को पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी तो दिख रही है, लेकिन बाढ़ में खर्च किसी को नहीं दिख रहा। तो अब आप भी जब घर से पेट्रोल डलवाने जाएं तो राजस्थान के इस राजकुमार की नसीहत पर ज़रूर गौर कर लीजिएगा, नहीं तो कई सरकार के ये मंत्री आपको तेल डलवाने पर बैन ना कर दें। वैसे वसुंधरा सरकार ने रातों रात वैट पर 4% कटौती करते हुए पेट्रोल डीजल में थोड़ी राहत ज़रूर दी थी, लेकिन उसमें भी उन्हीं के मंत्री आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इससे पहले राजकुमार अपने बयानों के चलते विवादों में रहे हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने बेहुदे बयानों की सारी लक्ष्मण रेखा ही पार कर दी। वसुंधरा के इस वरिष्ठ मंत्री के इस बयान के बाद कहीं बीजेपी मुश्किल में ना पड़ जाए, क्योंकि ये साल चुनावी मौसम है और इस मौसम से करवट लेते देर नहीं लगती है। इसलिए वसुंधरा जी, मंत्री जी, थोड़ा बच के चलिए, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। झूठ से हमारा नहीं है वास्ता, क्योंकि सच का हमने पकड़ा है रास्ता। हम आपको दिखाएंगे सच्ची, सटीक और विश्वसनीय खबरें, क्योंकि हम बिकाऊ नहीं है। अगर आप भी ऐसी ही खबरों का विश्लेषण देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।